हेलो एवरीवन, आई एम काजल नगराड़े। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद काजल। इन आर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 2.2 द सोविनियर। देखिए, जैसे मैंने पहले के लेसन आपको हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं, तो इस लेसन को भी मैं वैसे ही हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन यू लिंक फॉर ऑल द वीडियोज, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ आपके दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। So let's start with the lesson, the souvenir. First of all, we have to see that what is the meaning of souvenir. Souvenir means क्या होता है? Souvenir means a thing that is kept as a reminder of a person, place or event. यानी कि किसी भी person या place या event की एक यादगार चीज़ हमारे पास रखना, उसी को बोलते हैं souvenir. किसी चीज़ को हम किसी की याद के तौर पर हमारे पास रखना है बोलते हैं, तो उसी को souvenir बोलते हैं। Let's start with the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle. Sally sat gazing at the view outside for so long, still she did not seem to be contented. देखिए, एक छोटी गर्ल है, उसका नाम है सैली, और यहाँ पे दिया है with the tip of her nose, यानी कि हमारे नाक का जो अगला हिस्सा होता है, जो नुकीला हिस्सा होता है, तो उसको वो दबा रही है। कहाँ पे दबा रही है? प्रेस टू द विंडोज ऑफ द स्पेस शटल। स्पेस शटल, शटल यानी कि क्या होता है, यानी कि जो व्हीकल हम शटल स्पेस में जाने के लिए यूज़ करते हैं, अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं शटल। तो वो स्पेस शटल में जा रही है, स्पेस में जा रही है, और स्पेस शटल में वो बैठी हुई है, और वो क्या कर रही है, उसका जो विंडो है स्पेस शटल का, तो उसके ऊपर अपने नाक को वो दबा रही है। साइली सैट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग, और वो क्या कर रही है, कांच में से बाहर देख रही है, काफ़ी लंबे समय से बाहर देख रही है। गेजिंग मीन्स कंटिन्यूअसली लुकिंग टूवर्ड समथिंग। स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड, लेकिन फिर वो उतना हैप्पी नहीं दिख रही थी। कंटेंट मीन्स हैप्पी होना। She had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. देखिए, वो जो स्पेस में जा रही है, वो स्पेस शटल में बैठी हुई है, और काफ़ी देर से वो बाहर देख रही है, तो वो जो कुछ भी बाहर देख रही है वो सब के बारे में उसने कहाँ पे पढ़ा था, several times, इसके पहले, before मैंने, यानी कि इस स्पेस शटल में बैठने से पहले उसने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही पढ़ा था। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू सेवरल टाइम्स, काफ़ी बार उसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था। एंड हैड सीन द सीन ऑन द वीडियो टू, और ये सब कुछ उसने ऑलरेडी वीडियो में भी देखा हुआ था। बट दिस वॉज डिफरेंट, लेकिन ये बहुत ही अजीब है, अलग बात है। रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, वॉचिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोज कैप्चर्ड बाय द कैमरा वॉज अनादर, बट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू दैट अमेजिंग पैनोरमा विथ योर ओन आइज। वो बोलती है कि रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना वो अलग बात है, पहली बात है। वॉचिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोज कैप्चर्ड बाय द कैमरा वॉज अनादर, यानी कि कैमरा में जो पिक्चर्स और वीडियोज कैप्चर किए गए वो देखना वो एक अलग बात है। लेकिन वो बोलती है टू व्यू दैट अमेजिंग पैनोरामा विथ योर ओन आइज। पैनोरामा मीन्स होता है व्यू, और वी कैन से एन अनब्रोकन व्यू ऑफ द होल रीजन सराउंडिंग, यानी कि हमारे आजू बाजू में वो जो कुछ भी देख रही है, तो उसका अनब्रोकन व्यू, कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखना वो अलग ही बात है। यानी कि वो बोलती है उस चीज़ को पढ़ना या वीडियो में देखना वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी में खुद की आंखों से देखना वो बहुत ही अलग बात है। बींग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिडस्ट ऑफ इट वॉज इंडीड एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो बोलती है बींग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिड्स ऑफ इट, मिड्स मीन्स होता है इन द मिडल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह के देखना कुछ अलग ही बात होती है। और वो बोलती है वो एक्सपीरियंस कैसा है, वॉज एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुपर। वो बोलती है खुद फिजिकली किसी जगह पर जाके किसी चीज़ को देखना वो बहुत ही सुपर एक्सपीरियंस होता है। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, और ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो कितनी देर से बाहर कंटिन्यूसली देख रही है। हर ओ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट। वो बोलते हैं हर वो यानी कि क्या होता है, अमेजमेंट, यानी कि उसको जो आश्चर्य हो रहा है बाहर देख के, वो सब जो कुछ भी नज़ारा बाहर देख रही है वो कैसा था, अबेट, अबेट यानी कि डिक्रीज नहीं हो रहा था, डिड नॉट सीम टू अबेट यानी कि वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से बाहर देख रही है, लेकिन वो बहुत ही अमेजमेंट के साथ, बहुत ही वंडरस फीलिंग के साथ बाहर देख रही है। वो बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज उसको ये फीलिंग आ रही थी कि मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है, वीडियो में देखा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर फिजिकली हूँ प्रेजेंट, और ये सब कुछ मैं स्पेशल शटल में जो कुछ भी देख रही हूँ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से बाहर देख रही है। द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर्ड टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई, और जैसे जैसे स्पेस शटल
ऊपर स्पेस में जा रहा है तो अर्थ कैसी हो रही है, छोटी छोटी दिख रही है ऊपर से. द एज्योर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक. द एज्योर ब्लू स्काई, एज्योर मीन्स क्या होता है, एज्योर मीन्स वी कैन से क्लाउडलेस स्काई. जो क्लाउडलेस स्काई है वो कैसे दिख रहा है, लुकिंग जेट ब्लैक. जेट ब्लैक यानी कि जिसको हम ग्लॉसी ब्लैक कलर कहते हैं, यानी कि शाइनी और स्मूथ. यानी कि यूजुअली स्काई जो है वो ब्लू होता है, जब हम अर्थ पे से ऊपर देखते हैं वो ब्लू दिखता है, लेकिन वो स्पेस शटल में बैठ के स्पेस पे जा रही है तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है तो वैसे वैसे हमारी जो अर्थ है वो उसे छोटी छोटी दिखाई दे रही है. और जो ब्लू कलर का स्काई था अभी वो कैसे दिख रहा है, अभी उसको जेट ब्लैक यानी कि थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक दिख रहा है. यानी कि जो स्काई है वो थोड़ा सा शाइनी और स्मूथ ब्लैक वाला दिख रहा है. द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट. और जो क्लाउड्स हमें दिखते हैं जब हम अर्थ पे होते हैं, जब ऊपर देखते तो हमें क्लाउड्स दिखते हैं, लेकिन अभी जब वो स्पेस शटल में बैठ के स्पेस में जा रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाउड्स भी जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं. द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट, और स्टार्स जो है वो क्लियर दिखने लगे हैं और ज़्यादा ब्राइटली चमकने लगे. दिस ट्रिप टू द मून वॉज एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप. देखिए यहाँ पे दिया द ट्रिप ऑफ द मून वॉज एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव. एग्जॉर्बिटेंटली यानी कि एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा महंगी ट्रिप थी. वो स्पेस में ट्रिप के लिए जा रहे हैं और वो ट्रिप जो है वो बहुत ही महंगी है, बट फिर भी साइली की मम्मा ने उसको इस ट्रिप में भेजा था. यू कैन सी हियर दिस इज द स्पेस शटल. और देखो विंडो में से वो बाहर झाँक के देख रही है, ये जो स्टार्स है उसको और ब्राइट ब्राइट दिख रहे हैं. In our childhood, we could not even think of such long-distance trips. The longest trip means going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said mummy. उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा था? In our childhood, we could not even think of such long-distance trip. वो उसकी मम्मी ने उसको बोला था जब वो उसकी मम्मी छोटी थी. उसकी मम्मी का जब बचपन था तो उसकी मम्मी के बचपन के दिनों में इतनी लंबी लंबी ट्रिप्स के बारे में नहीं सोचा जाता था. द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन गोइंग टू यूरोप, सबसे लंबी ट्रिप मीन्स कौन सी थी उनके दिनों में, यूरोप जाना. यूरोप जाना ही उनके दिनों में सबसे लंबी ट्रिप थी. और देखो ये जो साइली ये कहाँ ट्रिप के लिए जा रही है, स्पेस में जा रही है. इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट. और उसकी मम्मी ने उसके कहा था कि अगर तुम्हें इतनी लंबी ट्रिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं जाने का चांस मिल रहा है, तो तुमने कैच करना चाहिए, मेक द मोस्ट ऑफ इट. दिस इज ऑल्सो फ्रेज, इसका मीनिंग होता है टू यूज और एन्जॉय समथिंग एज मच एज पॉसिबल. यानी कि जितना हो सके उतना उस ट्रिप को तुम एन्जॉय करो, ऐसे उसकी मम्मी ने कहा था. तुम्हें चांस मिला ही है तो तुम उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो. ओ मम्मी, नेहा'स ग्रैंड मदर वॉज सेइंग दैट इन देयर चाइल्डहुड द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूज टू बी ओनली अप टू दिल्ली और कोलकाता. देखिए वो बोलती है साइली जो है वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मा, नेहा की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कहा था, नेहा की ग्रैंड मदर ने, कि नेहा की ग्रैंड मदर जब छोटी बच्ची थी तो उनके दिनों में सबसे लंबी ट्रिप यानी कि कौन सी थी, दिल्ली से लेके कोलकाता तक, उतनी ही लंबी सबसे लंबी ट्रिप होती थी. इट सीम्स सो फनी, और वो साइली बोलती कि ये बहुत ही मज़ेदार बात है, हंसने वाली बात है कि लंबे ट्रिप यानी कि दिल्ली से लेके कोलकाता तक, और ये कहाँ पे जा रही है, टूर के लिए स्पेस में जा रही है. वो बोलती है साइली लाफिंग यानी कि हंसते हुए जोर जोर से बोलती है कि नेहा की ग्रैंड मदर ने मुझसे कहा था कि उनके स्कूल दिनों में, उनके स्कूल डेज में सबसे लंबी ट्रिप जो थी वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ही थी. रिमेंबरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ, और वो बोलती है कि उस इंसिडेंट को याद करते हुए आज भी हंसती है. नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून. अब ये जो स्पेस शटल है जो कि शटल में बैठ के ऊपर जा रही है तो अभी वो मून के पास पास जा रहा है, क्लोजर एंड क्लोजर टू मून यानी कि मून के बहुत नज़दीक जा रहा है. देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून. बाद में वो क्या, उसने क्या किया, स्पेस शटल जब मून के पास पहुँच गया तो उसने क्या किया, ऑर्बिटिंग द मून. ऑर्बिटिंग यानी कि फ्लाई और मूव अराउंड इन सर्कल, यानी कि मून के बाजू में सर्कल में वो स्पेस शटल घूमने लगा. इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कम्प्लीटेड वन रिवोल्यूशन राउंड द मून. देखिए हर 32 मिनट में क्या हो रहा था, यानी कि हर आधे घंटे में क्या हो रहा था, जो शटल है वो मून को एक पूरा राउंड कम्प्लीट कर रहा था. लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन. सक्सेशन मीन्स होता है सिक्वेंस, यानी कि एक के बाद एक आना. वो जैसे ही स्पेस शटल मून के आजू बाजू इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा था तो क्या हो रहा था, पहले लाइट देन डार्कनेस फिर से लाइट, यानी कि उजाला अंधेरा, ऐसे जल्दी से एक के पीछे एक आ रहा था. ये क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द सन लाइट्स, यानी कि जब सन और मून के बीच में स्पेस शटल आया तब उजाला दिख रहा है, जब मून के दूसरी साइड बैक तरफ
स्पेस शटल जा रहा था अंधेरा हो रहा था, इसलिए यहाँ पे कहा है सक्सेशन, यानी कि सिक्वेंस वाइज एक के बाद उजाला अंधेरा से कंटिन्यू आ रहा था। द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स ऑन द मून विच रिसेम्बल्स द इग्लूज ऑफ द एस्किमोज वर नाउ विजिबल। देखिए यहाँ पे दिया है द डोम शेप्ड सेटलमेंट, डोम शेप्ड यानी कि यू कैन सी, ये जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो हाफ सर्कल, ये जो इसको बोलते हैं डोम बोलते हैं इसको, ओके। तो ऐसे डोम शेप के, इसी शेप के सेटलमेंट यानी कि कॉलोनी हम इसको बोलेंगे, यानी कि इसी शेप के कुछ वहाँ पे उन्होंने घर बनाए थे मून पे, तो वहाँ पे अभी लोग पहुँच गए। विच रिसेम्बल द इग्लूज ऑफ द एस्किमोज, ऐसे इग्लू भी होते हैं आपने देखा होगा, एस्किमोज जो होते हैं इसको मैं ये वहाँ के जो इग्लू है तो इसी शेप के होते हैं, तो वैसे इग्लू के जैसे वो इस ये लग रहे थे, इग्लू के जैसे ये डॉम लग रहे थे, तो वो अभी इन सबको दिख रहे थे, यानी कि ये जो डॉम्स थे वो कहाँ पे थे, मून पे किसी ने बनाए थे। आफ्टर सम टाइम यानी कि उसमें लोग रहा करते थे। आफ्टर सम टाइम साइली शटल मेड अ स्लो मेजर एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद क्या हुआ, साइली का जो शटल है जिसमें वो बैठ के जा रही है वो स्लो हो गया। मेजर्ड एंड शेप, मेजर्ड का मतलब होता है मेजर्ड यानी कि होता है स्टेडी और रेगुलर और हैविंग अ स्लो, यानी कि स्लो होते होते सेफली लैंड किया इनकी शटल ने, सेफली लैंड किया मून पे। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन, अब शटल का डोर ओपन हो गया एंड द चिल्ड्रन वेयर एस्कॉर्टेड थ्रू द एयर टाइट टनल टू द सेटलमेंट एट द नील आर्मस्ट्रांग बेस। देखिए नील आर्मस्ट्रांग बेस, ओके। देखिए यहाँ पे जो बेस होता है, बेस का मतलब होता है सेंटर, तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग नाम का एक सेंटर है जो कि मून पे है, जो कि डॉम शेप में बना हुआ है, तो वहाँ पे इनका स्पेस शटल पहुँच गया और बाद में उस स्पेस शटल का डोर खुला और उसमें से क्या हुआ, द चिल्ड्रन वेयर एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड यानी कि होता है गाइडेड, यानी कि चिल्ड्रंस को गाइड किया जा रहा था कि कैसे बाहर निकल रहा है, और चिल्ड्रंस को स्पेस शटल में से उनके जो डॉम है तो उस यानी कि नील आर्मस्ट्रांग बेस में कैसे लेके जा रहा था, एक एयर टाइट टनल से, बिकॉज देखिए जो मून है तो मून पे ऑब्वियसली ग्रेविटी नहीं है, तो बच्चे अगर वहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे तो क्या होगा, वो हवा में उड़ने लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है एयर टाइट टनल, यानी कि वहाँ पे एक टनल था, टनल यानी कि एक होल जिसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज, यानी कि ज़मीन के अंदर एक होल बनाया गया जो कि सीधा निकलता है उस नील आर्मस्ट्रांग बेस में, नील आर्मस्ट्रांग सेंटर में, तो उस टनल के अंदर से बच्चों को छोड़ा गया बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। बाद में क्या हुआ, द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव इंस्ट्रक्शंस एट द वेरी आउटसाइड। देखिए वहाँ पे जाने के बाद वो जो नील आर्मस्ट्रांग बेस है, वो जो सेंटर है वहाँ पे बच्चों के पहुँचने के बाद उन बच्चों को गाइड किया गया कि किस तरीके से वहाँ से जाना है, एस्कॉर्टेड यानी कि मैंने पहले बताया गाइडेड, उन लोगों को गाइड किया गया, एक प्रोटेक्शन दिया गया किस तरीके से जाना है ताकि बच्चे इधर उधर ना जाएं। और बाद में वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट था, कोई तो भी पर्सन था, तो उन्होंने क्या किया, रिसेप्शनिस्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए आउटसेट यानी कि जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग होते हैं, यानी कि शुरू में ही इन बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, अंदर कैसे जाना है। आई वेलकम, अब देखो ये जो है ये रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रांग बेस। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट ने वेलकम किया सबका कि ये जो नील आर्मस्ट्रांग सेंटर यहाँ पे है मून पे, तो मैं इसमें आप सबका वेलकम करती हूँ। टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड कम्फर्टेबल, वो बोलती है कि यहाँ पे मून पे तुम लोग जितने भी दिनों के लिए आए वो कैसा रहे, प्लीजेंट एंड कम्फर्टेबल, प्लीजेंट यानी कि एंजॉयबल एंड कम्फर्टेबल रहे, तुम लोग यहाँ पे कम्फर्टेबली रह सको। आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस यानी होता है कि सेफ गार्ड, एंड वो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेके ही अंदर जाओ, यानी कि तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, यानी कि कुछ काम करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस, वो बोलती है कि मैं जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन बताने वाली हूँ उसको आप केयरफुली सुनो, एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे, और तुम जितने भी दिन यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग बेस पे रहने वाले हो, मून पे रहने वाले हो, तो उतने दिन मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करो। यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज वन ऑफ सिक्स दैट ऑफ द अर्थ, वो बोलती है कि यहाँ पे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जितना कि अर्थ पे है उसके सिर्फ एक गुना, यानी कि वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर है, यानी कि अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे सिर्फ एक गुना ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ पे है, यानी कि 6 में से अगर हम एक भाग कर दे तो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे है, वो बोलती है। इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून अ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ,
वो बोलती है कि यहाँ पे मून पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि ह्यूमन की जो कॉलोनीज यहाँ पे बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स आर्टिफिशियली इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया यानी कि बराबर सिमिलर कर लिया। अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना हम लोगों को ह्यूमन्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स हमने यहाँ पे आर्टिफिशियली बना के रखा है, हैज़ बीन आर्टिफिशियली मेंटेन, यानी कि मेंटेन करके रखा है, यानी कि उसको हम लोगों को जितना चाहिए उतना हमने यहाँ पे बना के रखा है। बट आउटसाइड दोज सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क, और वो बोलती है लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ से बाहर हमने मून ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल नहीं किया है। जहाँ पे हम ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जहाँ पे हम ह्यूमन लोग रहते हैं, तो वहीं पे हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा है। You will have to be extremely careful when you roam around there. वो बोलती है you will have to be extremely careful. Extremely यानी कि बहुत ज़्यादा, वो बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ पे roam यानी कि क्या होता है, मूव अबाउट और ट्रैवल aimlessly, इधर उधर बेवजह घूमना। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम लोग जब यहाँ पे घूमोगे, आप लोग यहाँ पे ट्रिप के लिए आए हो, तो आप लोग जब यहाँ पे घूमोगे तो आपको बहुत केयरफुली घूमना है। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। बाद में सेकेंड पॉइंट वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि वो है शॉपिंग का, आप लोग यहाँ पे शॉपिंग करोगे मून पे। यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोवेनिर्स बैक होम फ्रॉम द मून। वो बोलती है यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड, आप सभी को इंटरेस्ट है किस बात में, इन कैरिंग सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब मैंने पहले ही बताया, सोवेनिर मीन्स होता है अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिप पे आए हो तो इस बात की एक यादगार चीज़ आप यहाँ से लेके जाना चाहोगे और इसलिए आप यहाँ पे शॉपिंग करोगे। तो वो शॉपिंग के बारे में बोलती है प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इन साइड द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स। वो बोलती है रिसेप्शनिस्ट कि प्लीज़ आप आर्टिकल्स का मतलब होता है जो भी आप पर्टिकुलर से यहाँ से लेने वाले, जो कुछ भी आइटम या ऑब्जेक्ट यहाँ से खरीदने वाले हो, तो वो आपको कहाँ से खरीदने हैं, डॉम शेप सेटलमेंट से, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था हाफ शेप वाला, ये ऐसे ऐसे शेप में जो यहाँ पे सेटलमेंट्स है, ऐसे शेप के जो यहाँ पे घर है, तो उसी में से आपको ये खरीदारी करनी है। क्यों, देयर यू विल बी एश्योर्ड ऑफ जेन्यून आर्टिकल, क्योंकि वहीं पर आपको एश्योर यानी कि गारंटी मिलेगी किस बात की, जेन्यून आर्टिकल यानी कि ऑथेंटिक या ओरिजिनल आर्टिकल्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आप ऐसे डॉम शेप वाले बेस से या डॉम शेप वाले सेंटर से अगर आप खरीदारी नहीं करोगे, कहीं और से करोगे, तो आपको गारंटी नहीं मिलेगी। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट। और वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आप इस सेटलमेंट के बाहर जो कुछ भी अनऑथराइज शॉप है, तो वहाँ से कुछ भी मत खरीदिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून। और बाद में वो विशिंग करती है कि मैं आप लोगों के ये कामना करती हूँ कि आपका जो यहाँ पे मून पे जितने भी 2-3 दिन का स्टे है तो वो अच्छा जाए। अ जैम पैक्ड 3 डेज प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून। जैम पैक्ड मीन्स होता है एक्सट्रीमली क्राउडेड और फुल ऑफ एन्जॉयमेंट और कैपेसिटी जिसको बोलेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे दिया अ जैम पैक्ड 3 डेज। 3 डेज दिया यानी कि ये लोग मून पे कितने दिनों की ट्रिप के लिए आए थे, 3 दिन की ट्रिप के लिए आए थे। तो यहाँ पे दिया है कि उनका जो 3 दिन का ट्रिप का जो फुल ऑफ एनर्जी वाला प्लान था वो उनके लिए वेट कर रहा था, क्योंकि अभी अभी पहुँचे, उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। According to the Earth calculation on the moon, there were 15 days of daylight and 15 days of night time. यानी कि अगर हम अर्थ का जो कैलकुलेशन है, अर्थ पे जो कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो चांद है वहाँ पे क्या है, 15 दिनों का दिन है और 15 दिनों की रात होती है, यानी कि कंटिन्यू 15 दिन होता है, 15 दिन रात होती है। The 3 days of the trip were going to be a part of the night time on the moon. और ये लोग जब वहाँ पे ट्रिप पे गए हैं तब वहाँ पे रात चल रही थी, तो इसीलिए इनके जो तीनों दिन है ट्रिप के, जो तीनों दिन हैं वो नाइट में बीतने वाले थे। One of the most important programs of the first day was स्काई वॉच। उनके पहले दिन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम क्या था, स्काई वॉच यानी कि आकाश देखने का प्रोग्राम था उनका पहले दिन का। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजली फॉगी। जब वो अर्थ पे रहते हैं तो स्काई कैसे दिखता है, फॉगी दिखता है। द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेर फ्रेंडली। यानी कि जो स्टार्स है, अगर हम अर्थ पे से ऊपर देखने लगे तो जो स्टार्स हैं वो रेयरली दिखते हैं हमें, यानी कि काफ़ी कम बार दिखते हैं, और फ्रेंडली यानी कि धुंधले से दिखते, क्लियर नहीं दिखते। अब वो मून पे जाके स्काई वॉच करने वाली है, अभी वो ऑलरेडी स्काई में, वहाँ से उसको स्काई वॉच करना है तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या होगा, जो स्टार्स है वो क्लियर दिखेंगे, लेकिन अर्थ पे से सब कुछ फॉगी दिखते हैं, फुल ऑफ फॉग दिखता है। देर वॉज नो एटमोसफियर ऑन द मून।
और देखिए वो बोलती कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से अर्थ पे से हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, सब धुंधला सा दिखता है, लेकिन मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर स्पेस होता है, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल तो है ही नहीं यहाँ पे। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार्स शोन डैजलिंग ब्राइट। वो बोलती है मून स्काई का यानी कि मून पे जो आकाश दिख रहा है वहाँ का जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है यानी कि जिस तरफ अंधेरा है मून के, तो उस तरफ जो स्टार्स है वो कैसे दिख रहे हैं, शोन डैजलिंग ब्राइट। डैजलिंग यानी कि बहुत ही चमकदार सब स्टार्स दिख रहे हैं वहाँ पे। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। डिस्क यानी कि क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वी कैन से एक राउंड और थीन सर्फेस जिसको होता है, तो वो तो यहाँ पे दिया है द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द, वो मून पे गए और वो वहाँ से अर्थ को देख रहे हैं। इन द मून स्काई ऑफ द अर्थ लुक 13 times बिगर दैन द मून इन द अर्थ स्काई। ये वो बोलती है कि अर्थ स्काई यानी कि हम अगर जमीन पे से स्काई में देखेंगे तो मून जितना दिखता है ना, तो उससे 13 गुना बड़ी, उससे 13 times बड़ी जो अर्थ है वो मून से दिखती है। यानी कि मून अगर हम अर्थ पे से मून पे देखेंगे तो मून बहुत छोटा दिखता है, यानी कि हम हमारे यहाँ पे जमीन से मून पे देखें तो मून बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर मून से तुम उल्टा अर्थ को देखोगे तो अर्थ कितनी गुना बड़ी दिखेगी, 13 गुना बड़ी दिखेगी वो। इट वॉज ऑल्सो 70 times ब्राइटर, और 17 गुना ज़्यादा ब्राइट दिखेंगी द अर्थ, यानी कि उनको दिख रहा है वहाँ से। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून, जो अर्थ लाइट है वो मून पे जा रहा था, यानी कि अर्थ पे सन का जो लाइट है, सन रेज जो वो अर्थ पे आ रहे हैं, इसके लिए इसकी वजह से जो अर्थ है वो चमक रही है और इसी के रेज जो वो मून पे जा रहे हैं। दिस ब्यूटिफुल एंचेंटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड एक्सटैटिक। एक्सटैटिक यानी कि होता है फीलिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। तो ये जो ब्यूटीफुल वहाँ का जो नज़ारा है वो देख के साइली और साइली के फ्रेंड्स कैसे हो गए थे, बहुत ही हैप्पी हो गए थे, वो बहुत ही अमेजमेंट में चले गए थे कि यहाँ से हमें जो अर्थ है वो 13 गुना बड़ी दिख रही है और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। दे फेल असली फीलिंग हैप्पी, और सभी जो लड़कियाँ हैं जो साइली की फ्रेंड्स है वो सो गई, कैसे सो गई, एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। एक्साइटेड यानी कि उन लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है बाहर क्या है क्या नहीं सबको जानने में भी, तो एक्साइटमेंट बहुत ही हैप्पी फीलिंग के साथ वो सभी वहाँ पे सो गए। द सेकेंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून। दूसरे दिन का उनका सबसे पहले दिन था स्काई वॉच, दूसरे दिन था सर्कस, दूसरे दिन का अट्रैक्शन था उनका सर्कस। ओके, वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट। और उनके सर्कस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था कि वहाँ की जो बैठने की अरेंजमेंट है वो, द स्पेक्टेटर वेर मेड टू सीट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड। देखिए द स्पेक्टेटर वेर मेड टू सीट इन द टेंट, देखिए वहाँ की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो थोड़ी अजीब थी, कैसे थी, जो स्पेक्टेटर थे जो ऑडियंस थे वो कहाँ पे बैठते थे, टेंट में, और जो सर्कस थी वो टेंट के बाहर थी। हाई जंप्स एंड लॉन्ग जंप्स वर द स्पेशल अट्रैक्शन, और वहाँ पे जो हाई जंप्स और लॉन्ग जंप्स थे सर्कस में वो किए जाने वाले थे। वन जिमनास्ट जंप 27 meters हाई। जिमनास्ट यानी कि स्पोर्ट वूमन या स्पोर्ट मैन था वहाँ पे, जिसने 27 यानी कि 27 meters ऊंची एक जंप की थी। On both the days, besides the main attractions, much time was reserved for visiting the various settlements there. देखिए on both the days, यानी कि दोनों दिन, पहले दिन स्काई वॉच, दूसरे दिन सर्कस, दोनों दिन स्काई वॉच और सर्कस तो हुआ, लेकिन उसके अलावा भी क्या हुआ था, the main attractions, much time was reserved, कुछ time उन्होंने रिजर्व करके लिखा था, रखा था किस बात के लिए, for visiting the various settlements there, वहाँ पर और जितनी भी colonies थी वो सब देखने के लिए वहाँ पर उन्होंने ये time रिजर्व करके रखा था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, और वहाँ पे उन लोगों को सेल्फ स्टडी पे भी कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा गया था, खुद स्टडी करने के लिए। द टीचर हैड असाइन देम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून। उनके टीचर ने उनको एक टास्क दिया था, असाइन यानी कि एक एसे का टॉपिक अलोकेट किया था उनको, और उनको कहा था कि एसे लिखना था किस बात पे, ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून, मून पे उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया है उस पे उनको
इसे लिखने के लिए कहा गया। विच प्लेसेस दे विजिटेड, उन्होंने कौन सी प्लेसेस को मून पे विजिट किया है उस पर भी ऐसे लिखना था। व्हाट दे ऑब्जर्व एक्सेट्रा, और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस है, इन सब बातों पे उनको ऐसे लिखना था। सैली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रैवल्ड फार एंड वाइड एंड हैड डन अ लॉट साइट सीइंग। सैली और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया था, ट्रैवल्ड फार, वो काफ़ी दूर तक उन्होंने ट्रैवलिंग किया था। वाइड एंड हैड, वाइड यानी कि फार फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि उनको जहाँ तक लिमिट दी गई थी उससे भी आगे इन लोगों ने ज़्यादा ट्रैवलिंग किया था। सैली और सैली के फ्रेंड्स इधर उधर घूमे थे। एंड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, साइट सीइंग यानी कि द एक्टिविटी ऑफ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि ये मून पे जहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जितने भी इंटरेस्टिंग साइट्स इनको लगी तो वो सभी बात चीज़ों को उन्होंने विजिट किया था। ऑन द थर्ड डे द टीचर टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, तीसरे दिन उनके टीचर ने उनको एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी कि एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस रहने वाले प्लेस पे उनको लेके गए। 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस, और वो प्लेस कौन सी थी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली प्लेस, 100 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, सॉरी एस्ट्रोनॉट है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो एस्ट्रोनॉट है, तो उन्होंने वहाँ पे जिस जगह पे सबसे पहले पैर रखा था वहाँ पे लेके गए थे उनके टीचर उनको। एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी कि स्टैचू या बिल्डिंग होता है, तो इस हिस्टोरिकल इवेंट को या इस उस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट देने के लिए सभी बच्चे कैसे थे, बहुत ही फास्ट फास्ट वहाँ पे चले गए। इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑफ द मून, और वो सबसे पुरानी जगह थी मून की, वो सबसे पुरानी जगह थी जहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ मैन ऑफ द मून बोल सकते हैं, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वो सबसे पहली जगह थी जिन्होंने वहाँ पे पैर रखा था। द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व ऑन द मून लैंड, और वहाँ के पे मून पे प्रिजर्व किया गया था। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है, मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला फुटप्रिंट, पहला पैर जहाँ पे रखा था, यानी कि उनके पैर का पहला जो निशान था उसको प्रिजर्व करके रखा गया था मून पे। बिसाइड्स द फुटप्रिंट वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसी फुटप्रिंट के बाजू में आर्मस्ट्रॉन्ग का एक, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक ग्रैंड स्टैचू यानी कि एक बहुत ही बड़ी मूर्ति वहाँ पे बनाई गई थी। एट द बेस ऑफ द स्टैचू वर कार्व्ड द फर्स्ट वर्ड्स अटर बाय ह्यूमन ऑन द, और उस ऑन द मून यानी कि उसी स्टैचू के बेस पे यानी कि पैरों के पास कुछ लिखा गया था। कार्व यानी कि जिसको हम कोरियो काम जिसको बोलते हैं ना, कट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन, तो एक डिज़ाइन शेप में वहाँ पे लिखा गया था, कर्व किया गया था, कोरा गया था, क्या था, द फर्स्ट वर्ड्स अटर्ड बाय ह्यूमन ऑन द मून, मून पे जाने के बाद ह्यूमन ने जो सबसे पहले वर्ड्स कहे थे वो वहाँ पे लिखे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के स्टैचू के पैर के पास। वो वर्ड्स क्या थे, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, यानी कि आदमी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए बहुत ही छोटा स्टेप है, ऑन वन जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड, लेकिन ये जाइंट यानी कि ह्यूज, एंड लीप यानी कि जंप, लेकिन ये ह्यूमन जाति के लिए, मानव प्रजाति के लिए बहुत ही बड़ा एक स्टेप है, यानी कि एक आदमी के लिए एक बहुत छोटा स्टेप है लेकिन पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है मून पे आना, ऐसे वहाँ पे लिखा गया था। द नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज दैट देर वर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और सबसे अच्छा अट्रैक्शन बच्चों के लिए, नेक्स्ट अट्रैक्शन क्या था कि अभी बच्चे वहाँ पे जाने के बाद स्पेस सूट पहनने वाले थे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, जो सैली इसने स्पेस सूट पहना हुआ है तो वो अभी वो बच्चे पहनने वाले थे, वो सबसे अच्छा अट्रैक्शन था उनका। देन दे वर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, अब तक क्या था, वो अब तक सेटलमेंट के अंदर थे, यानी कि जहाँ पे ह्यूमंस को जैसा सेटलमेंट चाहिए, अर्थ पे जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में वो विदाउट स्पेस सूट के रह रहे थे, लेकिन अभी उन सेटलमेंट से बाहर उनको लेके जाया जाने वाला था, उनको स्पेस सूट्स पहनाए जाने वाले थे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे है वो उनको एक्सपीरियंस करना था। Be careful when you walk, dear children. Don't turn or sprint, you will fall. उनके टीचर उनको बोलते, the teacher was warning repeatedly. उनकी जो टीचर है वो सभी को वार्निंग दे रही है, सबको बोल रही है कि be careful when you walk. जब आप चलोगे तो carefully चलो, और don't run, don't sprint, you will fall. Sprint यानी कि होता है run at full speed over a short distance, यानी कि थोड़ी सी दूरी पर बहुत ही तेज़ी से भागना। तो उनके टीचर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही कि इधर उधर भागो मत, रनिंग मत करो, फास्ट रनिंग मत करो, स्लोली चलो, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो अभी सेटलमेंट से बाहर जा रही है, तो
तो उनको मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करना था, बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, लेकिन कोई भी टीचर को सुनने के मूड में नहीं था, सब अपने बच्चे एंजॉयमेंट में लगे हुए थे। दे हॉप्ड जंप्ड एंड रैन अराउंड, और सभी बच्चे कूद खेलना कूदना कर रहे थे। बट ऑर्नामेंट स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन्स ऑन द मून वेरी चीप, चीपर दैन दोज अवेलेबल इन द शॉप्स इन द सेटलमेंट। देखिए बाय ऑर्नामेंट्स, वहाँ पे कोई है, यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इसका मतलब वहाँ पे कोई बोल रहा है। यहाँ पे दिया है देखो, द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। रोड साइड शॉपकीपर यानी कि वहाँ के जो रोड है मून के, तो उसके साइड में उसके दोनों तरफ जो शॉप लगे हुए हैं, तो वहाँ के जो सेलर है तो वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे दिया स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, यानी कि जितना जोर से वो बोल सके उतना जोर से वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाय ऑर्नामेंट स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन्स ऑफ द मून। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी जो होती है, हम जिसको अलंकार जिसको बोलते हैं दा, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि वो जो लोग हैं, वो जो शॉपकीपर से वो जोर से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ के जो स्टोन्स के मून पे जो स्टोन्स है, मून पे जो स्टोन्स है, तो उनसे कुछ ऑर्नामेंट्स बने हुए, देखिए यू कैन सी हियर, तो वो आप खरीदो। वेरी चीप, चीप यानी कि इनएक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं है। चीपर दैन दोज अवेलेबल ऑन द शॉप्स ऑफ द इन द सेटलमेंट। और वो जो रोड साइड के शॉपकीपर है वो बोलते हैं कि सेटलमेंट के अंदर जो शॉप है, तो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स आपको जिस कीमत में मिल रहे, तो उससे बहुत ही कम कीमत में हम आपको दे रहे, तो यहाँ पे खरीदो। और वो भी स्टोन से बने हुए, कौन से? मून पे जो ओरिजिनल स्टोन से, उनसे बने हुए हैं। चीपर एंड बेटर, एटलीस्ट हैव अ लुक। और वो लोग जोर से चिल्ला रहे, बेच रहे हैं कि कम से कम एक बार देख तो लो। बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दीज इयररिंग्स रियली चीप, सेइंग दीज ही अप्रोच साइली। एक शॉपकीपर है, वो साइली के पास आता है, वो बोलता है कि बहन इसको खरीदो, मैं ये आपको, ये जो इयररिंग्स है कान की बालियाँ है, तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ती है, तो ले लो। एंड डिस्प्ले द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयररिंग्स। और उसने क्या किया, साइली से ऐसे कहा कि ये बहुत ही सस्ता है, ये ले लो। और उसने क्या किया, और अलग अलग शाइन करने वाले इयररिंग्स साइली को दिखाए। साइली सडनली रिमेंबर्ड हर मदर, साइली को अचानक से अपनी माँ की याद आ गई। टुमारो दे वेयर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, और दूसरे ही दिन वो अपनी जर्नी के लिए निकलने वाले थे, रिटर्न के लिए, बिकॉज ये तीसरा दिन था उनका और वो तीन ही दिन के लिए आए थे। शी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन हर मदर इन लास्ट थ्री डेज। वो अपनी मम्मा के बारे में उन लास्ट थ्री डेज में पूरी तरह से भूल चुकी थी, उसको मम्मा की याद ही नहीं थी। शी फेल टेरिबली गिल्टी, और उसको बहुत ही अजीब यानी कि गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने मम्मा को भूल गई थी, लेकिन उसको अचानक से उस इयररिंग को देख के अपनी मम्मा की याद आ गई। बट दीज सिस्टर डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर टेक इट। और वो जो शॉपकीपर है वो कन्विंस कर रहा है साइली को कि वो खरीद ले, वो बोलता है कि बहन इसको खरीद लो, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव, चीपर एंड बेटर, बहुत ही सस्ते और अच्छे हैं। साइली लुक्ड अराउंड, द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसेस्ड अहेड। साइली ने आजू बाजू में देखा तो सभी बच्चे आगे जा चुके थे, आगे निकल चुके थे। कम ऑन, गिव मी दोज रेड इयररिंग्स क्विक, साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट इज द प्राइस। साइली ने किसी रेड कलर के, यहाँ पे देखिए रेड इयररिंग्स दिए हैं, किसी रेड कलर के इयररिंग्स की तरफ उसने उंगली करते हुए एक डिनोट करते हुए कहा कि जल्दी से वो रेड वाले मुझे दे दो, इसकी प्राइस क्या है। ओनली 1000 रुपीज़, रिप्लाइड द सेल्समैन। वो जो शॉपकीपर था सेल्समैन, तो उसने कहा कि सिर्फ 1000 रुपये इसकी प्राइस है। साइली इमीडिएटली पेड द अमाउंट, टुक द इयररिंग एंड रन टू द कैचअप विथ हर फ्रेंड। उसने जल्दी से अमाउंट 1000 रुपये दे दिए उस सेलर को, और वो इयररिंग्स खरीद के वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स की तरफ भाग गए उनको पकड़ने के लिए। ऑन रिटर्निंग होम, साइली टोल्ड हर मदर वेरी एंथुसियास्टिकली। घर पे पहुंचने के बाद एंथुसियास्टिकली यानी बहुत ही उत्साह के साथ साइली ने सारी चीज़ें अपनी मम्मा को बताई। मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, वो बोलती है कि मम्मा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। हर मदर पिक्ड अप द इयररिंग्स, उसकी मम्मा हाथ में इयररिंग्स उठाती है जो कि साइली ने मून से लाए है। शी एक्सक्लेम, और वो जो मम्मा है वो बोलती है एकदम अमेजमेंट के साथ, बोलती है हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वियर सच हैवी इयररिंग्स। वो बोलती कि इतने हैवी इयररिंग्स मैं कैसे पहनूं। साइली इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, साइली को जल्दी से अपनी मिस्टेक समझ में आती है। क्या मिस्टेक थी? बिकॉज उसने वो इयररिंग्स मून पे खरीदे थे जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है, और ये इयररिंग्स उसने वहाँ पे खरीदे थे जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है। ऑब्वियसली अर्थ पे आने के बाद वो बहुत ही हैवी बन गए थे। साइली हैड परचेज द इयररिंग्स इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी में उसने वो स्टोन्स के इयररिंग्स खरीदे थे जो कि अभी अर्थ पे बहुत ही हैवी लगने लगे थे। सो दिस वॉज द लेसन, बहुत ही अच्छा लेसन था।
ट्रांसलेटेड फ्रॉम द स्टोरी भेट बाय लक्ष्मण लोंडे. लक्ष्मण लोंडे जी ने इसको ट्रांसफर किया है, भेट बुक में से इसको लिया गया. दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोएम. सुवेनियर मीन्स अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट. पैनोरामा मीन्स व्यू. मिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ. अव मीन्स अमेजमेंट. अबेट मीन्स डिक्रीज. एग्जॉर्बेंटली मीन्स एक्सेसिव. आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स सुपर्ब. मेक द मोस्ट ऑफ इट मीन्स एन्जॉय समथिंग एज मच एज पॉसिबल. ऑबिटिंग मीन्स मूव अराउंड इन सर्कल. सक्सेशन मीन्स सिक्वेंस. सेटलमेंट मीन्स कॉलोनी. रिसेम्बल मीन्स लुक लाइक. मेजर मीन्स हैविंग द स्लो. स्कॉटेड मीन्स गाइड. आउटसेट मीन्स बिगनिंग. टनल मीन्स होल. प्लीजेंट मीन्स एन्जॉयबल. प्रिकॉशंस मीन्स सेफ गार्ड. इक्विवेलेंट मीन्स सिमिलर. रोम मीन्स मूव अबाउट ट्रैवल एमलेसली. एश्योर्ड मीन्स गारंटी. जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल. अनऑथोराइज मीन्स अनऑफिशियल. जैम पैक्ड मीन्स फुल ऑफ कैपेसिटी. एवेटेड मीन्स वेट फॉर. फॉगी मीन्स फुल ऑफ फॉग. एटमोसफियर मीन्स एयर स्पेस. डिस्क मीन्स अ फ्लैट थिन राउंड ऑब्जेक्ट. एंचेंटिंग मीन्स डिलाइटफुली अट्रैक्टिव. इसके एक्सटेटिक मीन्स फीलिंग हैप्पी. जिमनास्ट मीन्स स्पोर्टमैन और स्पेट वूमन. असाइन मीन्स अलोकेट. वाइड मीन्स फॉर फार फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट. साइट सींग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. मॉन्यूमेंट स्टैचू और बिल्डिंग. पीजो मीन्स मेंटल इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. कार्ड मीन्स मीन्स कट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. जायंट मीन्स ह्यूज. लिप मीन्स जम्प. स्प्रिंट मीन्स रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. चीप मीन्स इनएक्सपेंसिव. सो विद दिस वी हैव कंप्लीट आवर लेसन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन. आप अगर इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे. और जल्दी मैं ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और आपके दोस्तों को भी प्लीज़ इसके बारे में सजेस्ट कीजिए. थैंक यू.